नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों माफी चाहूंगा कि आज वीडियो में थोड़ा लेट अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा काम पड़ा हुआ है क्या इस वजह से। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि हमने क्या चर्चा किया था और क्या मार्केट के अंदर हुआ। कल का वीडियो मैंने जो पोस्ट किया था, मैंने आपको साफ साफ कहा था मार्केट अभी कोई रिएक्शन नहीं देने वाली। मार्केट जो है पूरा का पूरा फेड मीटिंग जो आज रात को अनाउंस होने वाली है 12 बजे के आसपास, उसका पूरा पूरा वेट कर रही है। तो दोस्तों हमारा जो व्यू था वो थोड़ा वो ये था कि मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर खत्म हो जाएगी आज, और मार्केट में कुछ भी नया नहीं होने वाला। तो फटाफट से चेक कर लेता हूँ मार्केट में क्या हुआ। ये आपको वनडे के चार्ट के ऊपर दिख रहा है प्राइजेक्शन, मैं दिखाना चाहूंगा जो प्राइजेक्शन है वो आपके सामने है। यहाँ पर आज कुछ हुआ ही नहीं, वॉल्यूम्स भी नहीं थे, और चेक कर सकते हो आज 50-60 पॉइंट के अंदर मार्केट खत्म भी हो गया। तो मैंने भी कुछ ज्यादा अपडेशन नहीं दी थी आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बिकॉज मुझे दिख रहा था कि आज मार्केट में कुछ होना नहीं है, वॉल्यूम लो है, और डाटा पॉइंट्स भी इसी चीज को बता रहे थे कि डाटा आज जो था वो सुबह से न्यूट्रल था और मार्केट आज न्यूट्रल ही खत्म हो गई और मार्केट में आज कुछ भी नया नहीं हुआ। इसकी चर्चा जो है हमने कल वाले वीडियो के अंदर कर ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर अगर आपको अपडेट चाहिए लाइव मार्केट डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये जो एक पैटर्न दिखाया था मैंने, बहुत टाइम से मैं इसको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं अब मैं इस पैटर्न को यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो हेड था, ये जो हेड था, ये क्या है, एक्चुअली में हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ये एक शोल्डर था, ये एक हेड था, और यहाँ पर मार्केट ने कोशिश की थी कि यहाँ पर वो इस हेड को नीचे की तरफ ना क्रॉस करे और यहाँ से वो मार्केट घूम भी गई थी। लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, कल के दिन इस हेड के लो को तोड़ दिया गया मार्केट के द्वारा, और अब ये पैटर्न जो है फिजिबल नहीं रहेगा दोस्तों। तो मैं इसलिए अब इस पैटर्न को यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि अब हम इस पैटर्न की चर्चा ना करें। दोस्तों ये पैटर्न अब नलीफाई हो चुका है, अब हम इसको अब नहीं चर्चा करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है अभी भी मार्केट के अंदर जो है सिचुएशन क्या है, हम चेक करेंगे डाटा पॉइंट्स के ऊपर, प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर। यहाँ पे हमको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रेडिक्शन में ज्यादा कुछ आज हुआ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब देखते हैं फटाफट से हम डाटा पॉइंट्स। तो डाटा पॉइंट्स जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। जो मार्केट हेल्थ रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि यहाँ पर आज कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है, सेम वॉल्यूम है FIIs का, और ऑप्शन में भी सेम वॉल्यूम है। तो इसलिए मैंने आपको आज सिंपल टेलीग्राम पे यही कहा था कि आज कुछ भी नहीं हो रहा है, आज जो है केवल और केवल खाना पूर्ति हो रही है मार्केट के अंदर, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और वही हुआ, मार्केट जो है केवल मतलब 40 पॉइंट के आसपास नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुई है केवल, और आज लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई है। तो कोई भी फ्रेश पोजीशंस बनी नहीं है, लॉन्ग अनवाइंडिंग जो है वो एक नेगेटिव संकेत होता है। और आप देख सकते हो लगातार 8 तारीख से लेके अभी 15 तारीख हो चुकी है, रेगुलरली लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो ओवरऑल जो है अभी भी मैं यही बोलूंगा, मतलब वॉल्यूम्स की कम है लेकिन अभी भी जो है डाटा में वीकनेस बनी हुई है, इम्पोर्टेंट है ये चीज। दूसरी चीज दोस्तों हम ये वाला डाटा देखें अगर, तो डाटा जो है ये वाला भी क्या बता रहा है देख सकते हैं। जो जितनी भी ये पोजीशंस बनाई गई हैं FIIs के द्वारा, ध्यान दीजिएगा FII के ऊपर फोकस कीजिएगा, जितनी भी ये पोजीशंस बनाई गई हैं 6 तारीख से, ये वाली ये वाली ये वाली ये हैवी पोजीशंस जो हैं जितनी भी बनाई गई हैं दोस्तों, ये सारी की सारी पोजीशंस अभी ऑन होल्ड हैं। इसका मतलब ये पोजीशंस होल्ड पे हैं और ये पोजीशंस अभी क्लोज नहीं हुई है, याद रखना इस चीज को FIIs की। और FIIs अभी लॉस नहीं करते हैं, इस बात का हमने चर्चा ऑलरेडी कर रखी है अपने चैनल के ऊपर। और साथ में प्रोप्राइटर्स ने आज हैविली पोजीशंस क्लोज की हैं, कौन सी, जो इन्होंने ये वाली बनाई थी लॉन्ग पोजीशंस, और ये भी जो है अब बेरिश है थोड़े से FII के साथ ही हैं। और रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो थी वो क्लोज नहीं करी, ठीक है, वो क्लोज नहीं की है। तो ये पोजीशंस रिटेल ट्रेडर्स जो है लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं, और FIIs जो है वो शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं, और इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। जब तक बेयरिश रहेंगे FII लोग, जब तक वो क्लोज नहीं करते अपने बेयरिश पोजीशंस को, कौन, FII लोग, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। FII की पोजीशन अगर आपको देखनी है तो FII ने कहाँ कहाँ पर पोजीशन बना रखी है शॉर्ट की, तो वो आपको यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगी और आप इन लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो ये लेवल जो है वो आपको देख सकते हो, आप ये लेवल्स टॉप के लेवल के ऊपर ही मार्केट में पोजीशन बना ली थी FIIs ने, जब ये वीकली जब ये मंथली एक्सपायरी शुरू हुई थी दोस्तों, और हर लेवल पे उन्होंने शॉर्ट किया है, हर लेवल पे शॉर्ट किया है। समझ में आ गया बात को?
तो अब बेसिकली हमको क्या समझ में आता है इस पोजीशन वाले चार्ट से, ये पोजीशन है ना यहाँ पे, तो इस पोजीशन वाले चार्ट से हमें क्या समझ में आता है, मार्केट रिलीफ या अपसाइड रैली जो भी आप कहना चाहो तभी देगी दोस्तों जब मार्केट 15,900 के ऊपर जाके क्लोज कर देगी। याद रखना क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है वनडे की, ठीक है। तो 15,900 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है हमको, हम बुलिश बिना वजह नहीं होने वाले। बात समझ में आ गई, हम बुलिश नहीं होंगे। हाँ 15,900 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर जो है FIIs लोग जो है अपनी पोजीशन क्लोज करना शुरू कर रहे हैं और मार्केट को वो ऊपर लेके जाने के मूड में है। लेकिन जब तक 15,900 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, अब उन लोग यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे। हम लोगों को FII के साथ साथ चलना है। उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में आज कुछ ज्यादा एक्टिविटी हुई नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज कोई भी वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर, ना ही कैश मार्केट में, ना ही ऑप्शंस में, ना ही फ्यूचर्स में। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग FII लोग जो हैं वो पुट बाइंग कर रहे हैं और कॉल बाइंग भी कर रहे हैं, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं, इनका जो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आज के दिन। प्रोप्राइटर ने पुट सेलिंग की है, मतलब ये अपनी पुरानी जो अभी भी जो इनकी रिमेनिंग लॉन्ग साइड की पोजीशंस बची हुई हैं, दिखाना चाहता हूं मैं कौन सी वाली, एक मिनट रुकिएगा, काम गई। हाँ जो अभी भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस हैं, ठीक है, मतलब रिमेनिंग है, इसमें से 13 और 3 16 ये वाली क्लोज कर दी गई हैं, केवल ये वाली पोजीशंस बची हुई हैं। बात समझ में आ गई। और ये जो पोजीशन बनाई गई है 7 और 2 9 ये वाली पोजीशंस, तो इन पोजीशंस को हेज किया गया है केवल। तो एक तरफ 17% पोजीशन है और एक तरफ 9% पोजीशन है, तो ओवरऑल जो है मतलब उनको ये लगता है कि मार्केट ऊपर ना चली जाए, वो मतलब कंफ्यूज है टोटल मिला के। 17% लॉन्ग वाली भी होल्ड कर रखी है और ये शॉर्ट वाली भी जो है ये भी इन्होंने होल्ड कर रखी है, ठीक है, 9%। तो इन 9% के अगेंस्ट में उन्होंने हेज किया है किस चीज को, मतलब पुट से, पुट सेलिंग से, ठीक है, बात याद रखना। तो ये हेजिंग पोजीशंस है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशंस नहीं है, ठीक है। और रिटेल ट्रेडर्स एज यूजुअल पुट बाइंग कर रहे हैं और कॉल राइटिंग भी कर रहे हैं, तो इनका व्यू ये मतलब पोजीशंस जो है क्योंकि इन्होंने लॉन्ग होल्ड कर रखा है तो ये अब ऑप्शंस में केवल और केवल हेजिंग कर रहे हैं, क्लियर। तो ऑप्शंस बेसिकली हेजिंग के पर्पज से यूज किया जा रहा है, ज्यादा बड़ा कोई मूवमेंट नहीं है ऑप्शंस में, ठीक है। तो ऑप्शंस जो है यहाँ पर देखने का कोई फायदा अभी नहीं है ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन अगर वैसे देखोगे भी तो यहाँ पर आपको दिखेगा, वैसे भी कल ऑप्शन चेन में एक्सपायरी भी है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा बेसिकली यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है और यहाँ पर जो है नई एक्टिविटी, ये पोजिशन भी क्लोज हुई है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मेजर असिस्टेंस 16,000 का ही मिलेगा, यहाँ पर बहुत हैवीली पोजिशन है और 15,900 का भी है, तो मैंने आपको वही समझाया चार्ट के ऊपर जो समझाया, जब तक 15,900 के ऊपर क्लोज नहीं करता बुलिश नहीं होंगे, और यहाँ पर रेसिस्टेंस 15,900 के ऊपर ही खड़ा है ऑप्शन चेन के ऊपर ही। तो ओवरऑल समझदारी वाली बात है कि अभी मार्केट में आपको शांत रहना है जब तक मार्केट अपना ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ना दे दे, और ब्रेक डाउन करना है तो फिर उसे करना पड़ेगा। अभी मार्केट 3 दिन से एक रेंज में फंसी हुई है, ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करके, ज्यादा कुछ एक्टिविटी करके आपको कुछ मिलेगा नहीं इसका मार्केट के अंदर अभी फिलहाल। लेवल आपको समझ में आ गया 15,900, उसके ऊपर जो है आपको मार्केट में बुलिश होना है, ठीक है। और ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट का लेवल है, याद रखना ये जो लेवल है सपोर्ट का लेवल, जैसे ही ये मार्केट तोड़ेगी, मार्केट का टारगेट जो होगा वो 15,200 के आसपास का हो जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखना। तो ओवरऑल जो है मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर देगी। डाटा पॉइंट्स मैं ये बोलूंगा, डाटा पॉइंट्स FIIs के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयरिश हैं, लेकिन ओवरऑल आज की नई एक्टिविटी देखोगे तो वो टोटली न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अपने लेवल का वेट करूंगा, या तो 15,900 ऊपर की तरफ टूटे या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, डाटा पॉइंट्स क्या बताएंगे। आज तो कोई इंडिकेशन नया दिया नहीं डाटा पॉइंट्स ने, न्यूट्रल था मार्केट। कल का डाटा पॉइंट क्या बताएगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो भी आज सेम टू सेम यही है कहानी। बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने के लिए कल चर्चा किया था मैंने, 33,750 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो लॉन्ग करने के लिए लेवल्स आपको दे दिए हैं मैंने, शॉर्ट करने के लिए जो लो टूटा, ये जो लो है लास्ट लो टूटेगा डेफिनेटली, ये विल बी बेरिश ऑल्सो। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा,
वीडियो समझ में आए तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।